दोस्तों, हमारे चैनल आपका स्वागत है। आज बनाने जा रहे पोहा रेसिपी है। सूखा पोहा है, इधर महाराष्ट्र में पोहा कहते हैं, गांव में क्या कहते हैं आप बताना कमेंट में। इसको भिगा देती हूँ, तुरंत भिगाने के बाद छान देती हूँ छलनी से। अच्छा से पानी निकल गया है, ऐसा थोड़ा भी गीला नहीं रहना चाहिए। गर्म हो गया है, इसमें तेल डाल देती हूँ राई का। आप कोई भी तेल डाल दीजिए जो खाते हैं। अभी तेल गरम है, इसमें मूंगफली यानी सिंगदाना डाल के फ्राई हो गया है। निकाल लेते हैं सिंगदाना को। राई है, इसको भी डाल लेते हैं। सरसों, जीरा, हींग, लहसुन की कलियाँ हैं छोटा करके, उसको डाल देती हूँ। थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने के बाद कड़ी पत्ता, इसको भी भून देती हूँ। एक कटा हुआ हरी मिर्च, इसको थोड़ा सा कटा हुआ प्याज छोटा छोटा, एक काजू आपके पास है तो आप डालना, नहीं तो मत डालना। इसको भी फ्राई कर देती हूँ। हरा मटर है, इसको फ्राई कर देती हूँ अच्छा से। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, इसको भी मिला देती हूँ। कटा हुआ टमाटर, स्वाद अनुसार नमक, इसको सब मिल के हो गया है। अभी पोहा डाल देती हूँ ऐसा। अभी इसको भी मिक्स कर देती हूँ, धीमी आंच में मिक्स करना नहीं तो जल जाएगा ऐसा। मिक्स अच्छा से हो गया है। अभी देखो इसको बीच बीच में चलाते रहना का, नहीं तो जल जाएगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी से हो जाता है। अभी अच्छा लगता है ये भुना हुआ जो सिंगदाना रखी थी, थोड़ा सा उसको ऊपर से डाल देती हूँ। कटी हुई हरी धनिया ऊपर से डाल देती हूँ अच्छे से। देखो इसको भी थोड़ा सा मिला देती हूँ। रेडी है पोहा रेसिपी। अगर आपको पसंद आए थोड़ा भी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बताइए कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।